गाने भी बहुत कमाल लिखते हैं और अब तो उन्होंने बुक लिखी है, आई एम श्योर बहुत ही इंटरेस्टिंग होगी. कहते हैं कि ये जो गाना लिखना म्यूज़िक ये सब भगवान की देन होता है और मैं इसमें पूरा विश्वास मानती हूँ क्योंकि मुझे भी ऊपर वाले ने ही दिया है बिना सीखे. तो आर्ट बहुत ही खूबसूरत चीज़ है, किसी भी रूप में हो, चाहे लिखने के रूप में, चाहे गाने के रूप में, चाहे म्यूज़िक बजाने, इंस्ट्रूमेंट कोई भी बजाने के रूप में. तो सही बात है. मैं भी पंजाबी हूँ तो आई एम अ प्राउड पंजाबी. यस, तो एक वो कनेक्शन और भी ज़्यादा हो जाता है बीइंग अ पंजाबी. राजीव जी से जी हाँ, राजीव जी से एक स्पेशल कनेक्शन है. वो बहुत ही कमाल के, बहुत कमाल के राइटर हैं. तो मेरी सारी बेस्ट विशेज उनके साथ हैं. आई एम श्योर ये बुक बहुत अच्छा करेगी. मेरा सिंगल आने वाला है अभी. लेटेस्ट आपने भी सुना होगा वो फिर तेरी बाहों में कैबरे फिल्म से. अपना पूजा भट्ट प्रोडक्शंस का आपने ये गाना सुना होगा. तो फिलहाल सिंगल जो है वो मेरे बहुत ही दिल के करीब है जो आने वाला है बहुत जल्द सुने गया. मेरा पहचान मिली पहला गाना तो बाबूजी ज़रा धीरे चलो ही था, उसी से मेरी पहचान बनी है और आज तक बाबूजी गर्ल के नाम से ही जानते हैं सब लोग. फिर अभी जो मदारी आया उसने एक और नई पहचान बनाई. कोक स्टूडियो, एमटीवी का जो शो है कोक स्टूडियो, उसमें जो मदारी आया उससे भी एक बहुत ही अच्छी पहचान मिली है. लिसनर्स को काफ़ी पसंद आया वो सॉन्ग. और पहचान की जहाँ तक बात है, हम लोग अपनी तरफ से बेस्ट करते हैं काम. उसमें से कौन सा गाना, कौन सा म्यूज़िक, कौन सी चीज़ कोई पसंद कर ली जाती है ज़्यादा से ज़्यादा, वो हमें नहीं पता होता. तो बस कोशिश जारी है. किसी नाम के मोहताज नहीं है जी, काफ़ी पुराना नाम हो गया. और पंजाबी की बात करें, पंजाबी पूरे छाए हुए हैं. हाँ जी, मिक्का वो दिलेर पाजी कोई भी जी जी, इसके बारे में क्या कहना चाहिए? पंजाबी के बचपन से सिंगिंग करते हैं या फिर? क्योंकि हम खुद पंजाबी हैं तो वो तो खैर खून में बसी है लैंग्वेज, तो इसलिए पंजाबी जब भी गाते हैं तो वो आप एक अलग सा कनेक्शन महसूस करते होंगे आई एम श्योर. लेकिन बीइंग अ सिंगर हम लोग कोशिश करते हैं कि जिस भी भाषा में गाएं, चाहे वो पंजाबी हो, चाहे हिंदी हो, चाहे गुजराती, मराठी, मैंने तो सारी लैंग्वेज, जितनी भी भारत में बोली जाती हैं भाषाएँ, ऑलमोस्ट सारी भाषाओं में गाने गाए हुए. मेरे ख्याल से मुझे सोचना ज़्यादा नहीं पड़ा क्योंकि पहला सॉन्ग बाबूजी ज़रा धीरे चलो वो इतना बड़ा हिट हो गया था. तो इसमें जवाब कोई बहुत मुश्किल नहीं होगा देना कि बाबूजी ही मेरी पहचान बनाने में काफ़ी कामयाब रहा. मेरा संघर्ष एक्चुअली हर इंसान का जीवन भर चलता है मेरे हिसाब से. और मुझे संघर्ष जी हाँ, मैं ऋषिकेश में पैदा हुई थी और हम लोग फिर दिल्ली में शिफ्ट हो गए थे. उसके बाद अब बॉम्बे 12-13 साल हो गए हैं, बाबूजी गाने के बाद आ गए थे यहाँ पर. तो हाँ, स्ट्रगल एक तरह का ये है कि मॉम डैड को कन्विंस करना बहुत मुश्किल, दैट वाज अ टास्क. तो वो बहुत मुश्किल चीज़ थी, मम्मी पापा को यहाँ दूसरे शहर में शिफ्ट करवाना. वो हो गए और अभी सब कुछ अच्छा है फाइनली. बट आई एम वेटिंग फॉर गुड सॉन्ग्स टू कम, यू नो. मेरी कोशिश मतलब दिल में तो है. अब जब भी अच्छे गाने गाने का मौका मिले वो आई डोंट नो व्हेन दैट टाइम कम. हाँ जी हाँ जी, वो तो अक्सर होता रहता है. कहीं मॉल जाते हैं, कहीं भी जाते हैं तो प्यारे प्यारे लोग मिल ही जाते हैं और सेल्फीज क्लिक करवाना चाहते हैं. हाँ, मैं दिल्ली में ही थी उस टाइम पर जब बाबूजी मेरा पहला सॉन्ग आया था. तो वहाँ पर आई थिंक आई वॉज गोइंग समवेयर विद मॉम डैड और रास्ते में कुछ लोग मिले थे जिन्होंने कहा कि आप वही हैं जिनका हमने इंटरव्यू देखा, आपने अभी नया गाना गाया है बाबूजी ज़रा धीरे चलो, आप सोनू कक्कड़ हैं? मैंने बोला जी हाँ.
तो क्या हम एक पिक्चर ले सकते हैं आपके साथ. तो उन्होंने उस टाइम सेल्फी का चलन नहीं था जो कि आज है. आज तो जगह जगह पर सब लोग फटाफट से सेल्फी क्लिक कर लेते हैं. तो यस, उस टाइम पर ऐसा मिला था, पिक्चर खिंचवाई थी उन्होंने एंड आई फेल्ट रियली गुड. बहुत अच्छा लगा था, पहला एक्सपीरियंस ऐसा स्टार बनने के बाद. स्टार नहीं कहूँगी लेकिन मौका मिलने के बाद. सोनू को गढ़वाली कहे या पंजाबी कहे? पैदा मैं गढ़वाल में हुई लेकिन हूँ पंजाबी. तो आप के ऊपर छोड़ दिया आप जो भी कहिए. बहुत ज़्यादा जब गाती हूँ तो सबसे ज़्यादा सुनाई देगी आपको मेरी पंजाबी की छाप. बाकी मुझे पंजाबी कल्चर इसलिए पसंद है क्योंकि उनका जो सूट वगैरह जो होते हैं, जैसे मैंने अभी पहना है तो पंजाबी सूट और बाली ये सब बहुत अच्छा लगता है. तैयार होना, स्पेशली लड़की होने के काफ़ी इस बारे में फ़ायदे हो जाते हैं. हमें अच्छा अच्छा मेकअप, अच्छे अच्छे सूट्स, ड्रेसअप होने का मौका मिलता है. और पंजाबी फूड, हाउ कैन आई फॉरगेट दैट, यस, पराठे और ये सब. आई एम अ वेजिटेरियन दो, बट कमाल है ना, पंजाबी हूँ बट वेजिटेरियन हूँ, बट यस बट हूँ. तो आलू के पराठे, आई लव आलू के पराठे. पंजाबी खाने का कोई मुकाबला है ही नहीं बेसिकली. सुनो, ऐसा कौन सा गाना है जो आपके काफी दिन के करीब है जिन्होंने मिस आपके दिल में? मुझे नुसरत जी के गाने बहुत ज़्यादा पसंद हैं. मैं उनकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ. एक्चुअली नुसरत फ़तेह अली खान साहब मेरी इंस्पिरेशन रहे हैं शुरू से. उनके सारे गाने पसंद हैं. तो कौन सा गाना है एक गाना? ऐसे एक्चुअली बहुत सारे हैं लेकिन ठीक है, एक गाना मैं गाती हूँ. की भीगी रातों में जब फूल खिले, बरसातों में जब छेड़े सखियां बातों में, मैनू यादां तेरियां आंदियां ने, मैनू यादां तेरियां आंदियां ने, मैनू यादां. ऐसे गाने बहुत कम मिलते हैं जो ठेठ पंजाबी जो है, पंजाबी बोलना, पंजाबी गाना बहुत अलग. जी जी बहुत ही कमाल के कई आर्टिस्ट होते हैं, जैसे कि राहत फतेह अली खान साहब मेरे बहुत ही पसंदीदा सिंगर्स में से एक हैं. तो डेफिनेटली आई वुड लव टू सिंग विद हिम, नॉट ऐसा कुछ अगर मौका हो तो डेफिनेटली मैं ज़रूर गाना चाहूँगी. जैसे कभी राहत फतेह अली खान की बात करें तो देशों में दरार आ गई है जी, यानी कि दिल में कुछ खटास आया आपके? नहीं, हमारी कोई खटास नहीं आई है क्योंकि कलाकार कलाकार होते हैं, उनका कोई धर्म, उनकी कोई जाति, कुछ नहीं होता. जब तक वो दिल से कुछ गलत ना करें, मेरे हिसाब से कुछ गलत नहीं है. ओके, पंजाबी गाना एक मेरा बड़ा फेवरेट गुलाम अली खान साहब की ये चीज़ है, बहुत प्यारी. आवे ते तैनू दसां किवें मेरे गुजरे ने साल वे, पल वे सदियां वांगू लगदे, जीना बड़ा ही मुहाल है. आवे ते तैनू दसां किवें मेरे